आगे बढ़ते हैं, हम मुलाकात की बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौरे ईरान से वापसी के बाद अहम मुलाकात हुई। दोनों बड़ों की मुलाकात में दाखिली और खारजा सलामती, मकबूजा कश्मीर, इलाकाई और मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक हफ्ते के दौरान आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान ये दूसरी मुलाकात है, जबकि इस दौरान ISI चीफ भी वजीर आजम से मिल चुके हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म हाउस में सियासी और अस्करी कायदीन की अहम मुलाकातों का हफ्ता। 15 नवंबर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की फिर बैठक। इस बीच 19 नवंबर को इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मिल चुके। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ताज़ा मुलाकात में कौमी सलामती और पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बात हुई। बाखबर हल्के जनरल कमर बाजवा के सरकारी दौरा ईरान, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अफगान अमन अमल, दाखिली अमन और सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल के तनाजुर में इस मुलाकात को अहम करार दे रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की मुलाकातों से मुतालिक DGISPR पहले ही कयास आरायों की हौसला शिकनी कर चुके। 19 नवंबर की वजीर आजम और DGISI बैठक के बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाजे किया था कि रियासती अमूर के हवाले से जरूरी ये मुलाकातें मामूल हैं, जो कभी रिपोर्ट होती हैं और कभी नहीं भी होती।